तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, मीडिया लेयर और स्प्लिट स्क्रीन को किस तरीके से काइन मास्टर पे कर सकते हैं। तो आपको लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, फिर एक आपको मीडिया को इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसी प्रोजेक्ट पे एक मीडिया को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं कोई सा भी एक मीडिया को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज ए लेयर। जब आप एज ए लेयर यूज करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। आप चाहे तो इसे रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, तो आप अपने अनुसार किसी भी अच्छे बैकग्राउंड पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मीडिया लेयर के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमने बहुत सारा टॉपिक को कंप्लीट भी कर दिया। हम जानेंगे इन और आउट एनिमेशन के बारे में, ट्रिम स्प्लिट तो हमने जान ही लिया, ये हमारा स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आप इसे अगर सिलेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके का फुल स्क्रीन पे वीडियो आ जाती है। इसे आप सिलेक्ट करते हैं तो हाफ ऑफ स्क्रीन पे आती है। आप चाहें तो इस तरीके से आप अपने वीडियोस को स्लाइड भी कर सकते हो और फिट भी कर सकते हो आप अपने स्क्रीन पे। और दोस्तों आप चाहे तो एक ही स्क्रीन पे अलग अलग वीडियोस को भी आप शो कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको फिर से मीडिया लेयर पे जाना है, जी हाँ दोस्तों, और एक वीडियो को आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए हम जानते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको और एक मीडिया लेयर को इंपोर्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर देना। उसके बाद इसे भी आप कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप प्ले करते हो तो कुछ इस तरीके का एक साथ आपका वीडियो प्ले होता है। तो इसी तरीके से आप अपने वीडियोस को एडिट करके अलग अलग ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हो एक ही साथ। तो स्प्लिट स्क्रीन और मीडिया लेयर की कंसेप्ट होती है कंप्लीट। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की और जानते हैं काइन मास्टर पे हम इन और आउट एनिमेशन किस तरीके से कर सकते हैं अपने वीडियोज पे।